चलिए अब एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यह एक्सप्लेन करना है कि ट्राई मिथाइल अमीन ट्राई सिलाइल अमीन के कंपैरिजन में ज्यादा बेसिक क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। यदि हम ट्राई मिथाइल अमीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वह हमें कुछ इस तरह से मिलता है। इसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। सिंस यहाँ पर कार्बन एटम में प्रेजेंट सारे ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर केवल और केवल नाइट्रोजन के ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर हम ट्राइसिलाइल अमीन की बात करें तो ट्राइसिलाइल अमीन में नाइट्रोजन और सिलिकन के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि सिलिकन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स को सिलिकन के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में डोनेट कर सकता है। और इसी रीजन से नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp2 होती है और इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर सिलिकन के साथ रेजोनेंस करते रहते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम्स पर लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और इसका बेसिक नेचर बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे।